हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कर्तव्य पथ। इस बोर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको इस रोड का पुराना नाम भी दिख जाएगा। अगर आपको पुराना नाम इस बोर्ड पे दिखाई देता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए आगे बात करते हैं कर्तव्य पथ की। कर्तव्य पथ, इसका इनॉग्रेशन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर अभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था। साथ ही इस रोड में बहुत सारे नए नए बदलाव किए गए हैं। हम आज सुबह से यहाँ आए हुए थे पर आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब बारिश शाम को आके रुकी है, तो अब हम अपने वीडियो को शूट कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट और उस गैप के जस्ट बीच में आप देख सकते हैं वो मूर्ति जिसका अनावरण भी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। चलिए कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर और क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नए चेंजेस। तो जैसे ही हम कर्तव्य पथ से आगे बढ़ते हैं इंडिया गेट की तरफ, मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं अंडरपास आपको दिखाई देगा, ये राइट साइड। और देखिए आपको लोग भी निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये रोड क्रॉस करने के लिए अंडरपास को बनाया गया है। पहले रोड क्रॉस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी पर अब अंडरपास की वजह से लोग इजीली आसानी से रोड को क्रॉस कर सकते हैं। मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पर ये अंडरपास है। साथ ही यहाँ पर ये नया रेड ग्रेनाइट भी लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे। तो और भी लोगों से अभी हम देखते हैं, बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है इस चेंज के बाद, हाउ दे आर फीलिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पर सेकंड टाइम आए हैं, इससे पहले भी जो आप आए थे, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हुए हैं या आपको कुछ बेसिक चेंजेस ही दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे? मैंने अभी जो नोटिस किया है वो थोड़ा सा सेफ्टी भी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है जी, और इसके अलावा क्लीनिंग भी काफी है यहाँ पे, और जो कि फ्लो होना चाहिए लोगों के आने का जाने का, तो यहाँ पे एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, तो वो काफी अच्छा इम्प्रूव किया है यहाँ। तो एग्जिट और एंट्रेंस ऑल ऑफ दैट, तो आपके हिसाब से पहले के मुकाबले अभी हर चीज को बहुत ज्यादा सुधार दिया गया? काफी चेंजेस किया है क्योंकि जब मैं आया था तो वो 4 से 5 साल हो गए हैं जी, तो काफी चीजें चेंजेस लाइक अंडरपास बन चुके हैं। हाँ, और अभी डिवाइडर भी क्लियरली है यहाँ पे। अभी मैंने ये भी इसमें पढ़ा है और सुना है कि ग्रीनरी पहले से ज्यादा हो गई है। वो शायद अभी सीजन भी चल रहा है इस वजह से भी है। इसके अलावा लग भी रहा है कि हाँ हुई है थोड़ी सी ग्रीनरी काफी। तो आपको ये पता है कि कर्तव्य पथ जो इसका नाम है, इससे पहले इस रोड का क्या नाम था? नहीं, मैं रोड का नाम तो नहीं पता। अच्छा, चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच। आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर इनॉग्रेशन होने के बाद? मैं फर्स्ट बार आया जब से ये नया बना है। नया बना। आपको पता है इससे पहले इस रोड का नाम क्या था? रोड का नाम नहीं मालूम। अच्छा, तो आप जब पहले आए थे और आप इस बार आए हैं तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई पड़ता है? बहुत अच्छा डिफरेंट, बहुत डिफरेंट हो गया। जैसे क्या क्या आपने बदलाव देखे? बन गए जी, और इधर सफाई हो गई, निकलने के लिए भी अच्छा रोड बना दिया, पूरे पार्क साफ हो गए। पहले यहाँ सब वो खाने पीने लगा रखे थे उनको साइड में लगा दिया जी, ये सारा अच्छा कर दिया जी। पार्किंग की सुविधा अच्छी कर दिया पहले से। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने? फैमिली के साथ। आप भी इन्हीं के साथ में? हेलो, क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, मेरा नाम भी थोड़ा सा मिलता जुलता है शिवम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सिक्स क्लास में। आप पहली बार आए हो इंडिया गेट? अच्छा, आपको ये पता है यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है वो किसकी लगी है? आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे पास आओ। देखो इंडिया गेट के बीच से उधर पीछे एक मूर्ति दिखाई दे रही है। आप पहले आए थे दिन में, तब देखी थी आपने? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा, आपको यहाँ कर कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो शुभम आप? अच्छा, ये कहाँ पर है आपका स्कूल? अच्छा, आप ना एक काम करोगे, कुछ हमें एक चीज करके बता दो जो आपको पसंद हो, एक गाना सुना दो प्लीज। मैं ना बहुत देर से घूम रहा था, मैं बोर हो गया, मुझे कोई गाना ही नहीं सुना रहा। तो क्या नाचो मैं? एक गाना सुना। अरे कोई भी सुना दो यार, एक रैप सुना दो। चलो रैप तो आपको पक्का आती होगी, एक रैप तो सुना दो। और क्या, वहाँ देखो डरने की क्या बात है, मैं अभी तो खड़ा हूँ आपके साथ। हाँ तो वही सुना दो। चलो तेरी झलक सर पी शिवल्ली नैना मदक बर पी, मैं पुष्पा और झुकेगा नहीं सारा। अरे भाई ऐसे और कर देते एक बार। हाँ झुकेगा नहीं सारा। थैंक यू सो मच शुभम।
तो आपको यहाँ फर्स्ट टाइम आकर कैसा लगा? आपको मालूम है इसका इनॉग्रेशन अभी 8 सितंबर को ही हुआ है, अभी जल्दी में हुआ। हाँ, 8 सितंबर को हुआ है। जी, काफी ज्यादा बदले भी हैं। जी, मतलब आए तो नहीं थे लेकिन पहले जो भी देखा है जी, टीवी वगैरह में या पढ़ा या सर्च करके गूगल वगैरह में, तो उस हिसाब से जो है अभी काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं और अच्छा लग रहा है। पार्क वगैरह हुआ या स्पेस भी, बाकी इंडिया गेट तो बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी लगा देख के। तो आप कहाँ से आए हैं अभी? अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं? अच्छा, राम जी की नगरी से आए हैं आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको इस बार यहाँ कर सिक्योरिटी कैसी लगी? क्या लगता है आपको, सेफ जगह है? आपको सेफर फील होता है, नहीं होता है? ये तो लगा कि मतलब सिक्योरिटी अच्छी है जी और सेफ भी है, पहले से काफी अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा, सुनना और देखना मतलब खुद से तो फ्रेंड पहली बार देख रहे हैं जी, जो भी सुना था भाई लोग फैल में आते हैं जी, उन्होंने तो सिक्योरिटी बढ़ाई है, चीजें अच्छी की है वगैरह, डेवलप की है, सारी चीजें अच्छी है। हाँ, बदलाव बहुत सारे हैं। मैं भी पहले आता रहता हूँ तो जैसे अंडरपास बन गया, तो अंडरपास एक बहुत अच्छी चीज है रोड क्रॉस करने के लिए, बहुत हेल्पफुल है क्योंकि बहुत चलता हुआ रोड है, तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज भी होता है क्योंकि कोई रुकना तो चाहता नहीं जी, उससे निकलना रिस्क भी होता है वहाँ पे, तो ये अच्छी चीज है अंडरपास बनाया। आपको पता है कर्तव्य पथ से पहले इसका नाम क्या था? अच्छा, आप हमें बता दीजिए अयोध्या में राम मंदिर कितना बन चुका है? जी, कम्प्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। अच्छा, न्यू पूरी बन चुकी है, वहाँ कोई काम नहीं है, अब स्ट्रक्चर धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया है, पत्थर तरसना और लगाना जैसे जहाँ पे जी। तो योगी आदित्यनाथ के आने से यूपी में आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है या बदलाव धार्मिक बदलाव ज्यादा आप लोगों के हिसाब से? जी, मतलब ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं जिसमें बदलाव हुआ है, बट हाँ, राम मंदिर जो काफी टाइम से अटका हुआ था जी, उसको आप जो भी समझ लीजिए कि वोट बैंक के चक्कर में नहीं बन रहा था या जो भी था, अलग ही बात है, लेकिन हाँ अभी बनना शुरू हुआ तो अच्छा लग रहा है हमारी हमारी अपनी जगह राम मंदिर जो है ना, राइट हैंड साइड। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से एक बात सुनी कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से यूपी बहुत सेफर हो गया है, क्राइम बहुत कम हो गया है, क्या आपको लगता है? आप लोग वहीं रहते हैं तो आप ज्यादा बेटर ग्राउंड लेवल पर उस चीज को जानते होंगे। हाँ, अगर ये बात करें कि ग्राउंड लेवल पे तो बता के जी, पहले से तो चेंज हुआ है जी, और हमको लगता है कि ये मतलब कुछ जागरूक भी लोग हैं जी, और जैसे सब ये नहीं मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए गलत जी। हाँ, ये तो है, तुमने काफी हद तक सिक्योरिटी है जी, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत आप आके देखेंगे तो उतना नहीं है जितना कहा जा रहा है, उतना नहीं लगेगा जी, जितना कहा जा रहा है उसको आने में जी, अभी जैसे गार्जियन लोग उतना मतलब सेफ हाँ, सेफर नहीं फील कर पा रहे जितना करना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इतनी बात करी, थैंक यू सो मच। आप लोग पहली बार आए यहाँ पर, मतलब जब से रिनोवेट हुआ उसके बाद, इनॉग्रेशन जो हुआ था उसके बाद, तो आप जब पहले आए और अब आए, आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है कर्तव्य पद बनने के बाद यहाँ पर? कुछ बहुत कुछ बदलाव, जैसे आपको जैसे लोगों की भीड़ और लाइट वगैरह, और बहुत अच्छा कर रखा है आने जाने का हर चीज में, मतलब पुलिस उलिस का भी अच्छा है, हर तरह के से लोग है, सही है, अच्छा लगा। आपको पता है कर्तव्य पद से पहले इसका नाम क्या था, इस रोड का क्या बोला करते थे? नहीं पता। आपको हेलो, आप लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ सी में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, स्कूल का नाम नहीं पता। अच्छा, आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है स्कूल में? अच्छा, आपको सॉन्ग आता है? हमें एक सॉन्ग सुना दोगे आप? एक सॉन्ग सुना दो जो भी आपको आता हो, जो भी अच्छा लगता हो आपको, प्लीज। मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, किसी भी बच्चे ने मेरे को सॉन्ग नहीं सुनाया, प्लीज एक सुना दो। अच्छा, आप सुना दो, देखो एक सॉन्ग सुना दो हमको प्लीज। अच्छा, क्या सुनाओगे? पोएम सुनाओगे? एक पोएम सुना दो। चलिए, कोई नहीं, थैंक यू सो मच।